जयपुर से जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी 13 नामों का पैनल लेकर उनके साथ दिल्ली आए हैं। 21 अक्टूबर को होने वाले चित्रकूट विधानसभा के उपचुनाव को लेकर संभावित नामों पर आज दिल्ली में रायशुमारी होगी। इसके अलावा सीएम की केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के साथ भी दिल्ली में एक बैठक होगी। मुख्यमंत्री 26 सितम्बर यानी कि कल दिल्ली से ही पटना के लिए रवाना होंगे। पटना में वो सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होने के बाद वापस रायपुर लौट आएंगे। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जो संभावित नाम है उन नामों को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं, और क्योंकि नामांकन की तारीख 30 तारीख लास्ट है तो हम जल्दी से जल्दी नाम का डिक्लेयर करें, इसलिए हम लोग उसमें जा रहे हैं। दिल्ली में दो मीटिंग है, पहली मीटिंग पासवान जी के साथ जिसमें जो चावल सेंट्रलपुर में खरीदा जाता है, पिछले साल 24 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था, क्योंकि इस साल 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे लक्ष्य हमारा है, तो लक्ष्य बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रलपुर में अधिक चावल खरीदे, इसके लिए हमारी मांग होगी। और दूसरा जो मुद्दा है वो चित्रकूट जो चुनाव हो रहा है, इसमें फिर पुनिया जी के साथ होती है। हनी ट्रैप मामले की जांच